नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरुआत करने से पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस का दिन है और दोस्तों आज हरीश मेहरा जी हैं, तो उन्होंने रैली निकाल रखी है, तो सभी लोगों को बुला रखा है। तो अभी वहाँ भी जाना है, तो मैं भी घर का काम फटाफट निपटा के वहाँ को जाती हूँ। और दोस्तों, बाहर ठंडा हो रहा है, कोहरा हो ही रहा है, धूप आजकल आ नहीं रही है, धूप के दर्शन तो मुश्किल ही है। सुबह जा रहे हैं आज हमारे हरीश मेहरा जी के घर, वहाँ आज उसका 26 जनवरी का प्रोग्राम है। वहाँ से हम लोग रैली निकालेंगे, पूरे मार्केट में घूमेंगे, तो सब लोग वहाँ हैं। मैं और सुबह निकल रहे घर से। चलो बैठ जाओ, बैठ जाते। नमस्कार नमस्कार। तो भाई हम लोग यहाँ पर सब तैयार बैठे हैं और यहाँ से प्रभात फेरी निकलेगी। हरीश मेहरा जी के घर से सारी महिलाएं पुरुष एकत्रित होते हैं यहाँ पर। राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक तिरंगा यात्रा निकाला रही है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित मंडल भाई विक्रम जितवाल जी, और इनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय वशिष्ठ मुखर्जी, सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम हमारे प्रदेश कार्यालय सदस्य गोपाल बुल्ला कोटी जी और भाई विक्रम जितवाल जी द्वारा हमारे माननीय विधायक जी को एक शॉल उड़ाया जा रहा है। उनके द्वारा रांची पॉलिटेक्निक जो हमारा काला डूबी में है, इसमें एक शिविर का जो विषय शिविर जिले का एक विषय के लिए हमने अनुरोध किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। इससे सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ। आज इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी आयामों के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देवकुल्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मातृशक्ति, पूर्व सैनिक संगठन से आए हुए हमारे सभी सम्मानित पूर्व सैनिक, सिंधु परिषद से आए हुए हमारे भाई बंधु, आप सभी लोगों का इस तिरंगा यात्रा में हरीश मेहरा जी के निवास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके तुरंत बाद माननीय विधायक जी ने भी बोलना है और तिरंगा यात्रा भी हमने शुरू करनी है। केवल दो बातों का ध्यान रखेंगे, आगे मातृशक्ति ने चलना है, नारे जयकारे उद्घोष युवा मोर्चा वाले ध्यान रखेंगे, झंडे जिन लोगों के भी हाथ में होंगे तो विशेष ध्यान रखना कि झंडा गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का झंडा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। की तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि श्रीमान बंजर भगत जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा साथी व युवा भाई हमारे विक्रम जंदवाल जी, जो इस मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, सभी मंचासीन व माताएं बहनें पूर्व सैनिक, बड़े हर्ष का विषय है। आज भारत अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है, शुभ अवसर पर मेहरा जी के निवास पर खड़े करके बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम खिचड़ी खा रहे हैं, ये सलाद है, चटनी है, मिर्च डाल देना, मिर्च नहीं दे रहा। चिमकांडी कालूर क्या हो रहा है? चिमकांडी ठंडा लग रहा, कालूर ऊपर देख बच्चा, ठंडा लग रहा बाबू, ठंडा लग रहा बाबू, ठंडा लग रहा, अरे ठंडा लग गया मेरे बाबू को, ठंडा लग गया, ले
और एक मैडम ये सोई है हमारी, ये मैडम ये केस सोई है, ये देखो ये तो सोना का तो पता नहीं रहता, रात भर गायब रहती है, सुबह उजाला होते ही आ जाती है। इसे भूख लगती है तो इसे घर की याद आती है और जैसी रात होती है और ये डोइने चल देती है। दिन भर सोएगी ये, दिन भर सोई रहेगी, रात को गायब मिलेगी। और एक ये बेचारे रात दिन यही रहेंगे। ये देखो ये चला। दोस्तों अब पहुँची हूँ घर, टाइम हो रहा 12:30, तो वहाँ का प्रोग्राम निपटा तो फिर घर आई हूँ फटाफट। तो सब करती हूँ घर का काम, ठंडा भी लग रहा, बाहर तो धूप हो रही, हमारे अंदर ठंडा हो रहा है। और इन शैतानों को देखो, जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही है, पर शैतानी करी है इन्होंने, कंबल अम्बल ये गिरा रखा अपना, ये अंकित ने उठाया होगा। और ये दोनों देखो ऐसे सोए हैं दोनों, ये शैतान ये, और ये अलग ही कर रहा, और ये टोपी गिरा रखी है। क्या है क्या है, मैं घर पर नहीं रहती, क्या बदतमीजी तुम्हारी, मेरे घर पे ना होने पे ये ऐसी बदतमीजी करते हैं। अब देखो कितना प्रेम है इन दोनों में, सोना मोना कितना प्रेम है तुम दोनों में, कालू सोना कितना प्रेम है, कालूर क्या हुआ, कालूर क्या हुआ है, तूने तो सोना को भी पिचका दिया, सोना सो जाओ दोनों में बहुत प्रेम है। अभी इनको देख के ना चिमकांडी चिढ़ जाता है, अभी चिमकांडी इनको परेशान करेगा। और मैं देखूं दोस्तों खाना वाना बना गई थी, नाश्ता मतलब अंकित के लिए, अंकित शायद दूध लेने गया है, तो अब मैं पहले अपना थोड़ा हुलिया चेंज, हुलिया क्या दोस्तों आज बाजार का दिन भी है, शुक्रवार का दिन भी है, तो बाजार जाना तो कपड़े तो चेंज करती नहीं हूँ, फिलहाल मैं अपना काम कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ चाय, फिर मशीन में कपड़े छोड़ गई थी, कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी और काम करती हूँ। और हाथ पाँव मेरे सुन्न हो गए हैं, अंदर घुसते ही ठंडा लगता है, बाहर तो धूप फंस के लाश, पर अभी धूप सेकने का टाइम नहीं है क्योंकि पहले घर का काम पूरा करती हूँ। बाबरे प्रेम, ठंडा हो गया मेरे बच्चों को, रे ठंडा हो गया मेरे बच्चों को, सो जा ठंडा हो रहा, सो जा। और इनको भी ढका दिया है मैंने, बच्चों को दोनों, ये सोए है सोना, और ये देखो ये सोना, और ये इसने भी कह दिया ऐसे कर रहे करके, यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े लोग हमारे, देखो कितने प्यार से सो रखे हैं सोना और कालू, इतना प्यार है तुम्हारे बीच, सब सो गए भी, खरीदी है अंकित ने, खरीदा 300 रुपए का, उस दिन नहीं खरीदा, वो लूडी को ले जा, हाँ 300 रुपए का कंबल, क्या करे यार, ठंडा लग रहा, देख रहे मेरे मुंह को ठंडा लग रहा, तो अकल इतनी है, ठंडा लगा तो मुंह देख रहे, हाँ चलो भाई तुम्हें भी लगा देंगे बाजार। तो भाई अब हम जा रहे हैं बाजार सब्जी लेने, मैं राधा शोभा दीदी, तो चारों अभी तक गप्पे मार रहे थे, और आग तो सेकी नहीं हमने, आग कहाँ से सेकते, हाँ जलाई और ठंडा हो गया, कहा तो मैं कह रही हूँ जल्दी, तुम्हें जाड़ा हो रहा है, सही कह रहे हो, तो तुमने कहा कि नहीं भाई मैं शक्कर जला देती, तो वही भैरूची पे मैं उठी ना आज, अरे यार इतना तो कर ही सकती थी तुम्हारे लिए यार, उतना नहीं था, हमने वही रहना होता तो हम बैठे हाई क्यों, अच्छा क्या है भाई, ठीक से पा ठीक से, और क्या देख रहे हो, चलो तुम्हारे घर को चले, चलो फिर राधा हो धन के, चलो यहीं से निकलेंगे, आओ यहीं से निकलते हैं, फिर यहाँ से निकल के इनके घर को चले जाएंगे, मैं थैला हाँ रख जाती हूँ।